ये शिलोंग नहीं है, सेरापुंजी नहीं है, ये अंदर है, नॉर्थ ईस्ट में है। 1805 का बना हुआ है ये ट्रैक, ज़रा ज़रा गर्मी होता है, तो इसमें आइए, इसमें मज़ा लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिगांग ब्लॉग्स। आज है जुलाई महीना का 24 तारीख और टाइम है ये आप देख लो 8:45 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मैं मौसम दिखाऊंगा, इस जगह का मौसम कैसा है। चलो चलो भैया हम दिखाते हैं। अभी जुलाई महीना का मौसम है, अभी देख लो गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और इस तरफ राजस्थान, बिहार में कितना गर्मी हो रहा है, तो आप लोग खुद पता है जुलाई महीने में कितना गर्मी होता है। और इस जगह में जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस जगह में पहाड़ी है और एक बड़ा सा टिकरी है, इसमें मौसम देख लो, अभी देख लो वो धुआंसा, इतना क्या बोलता है इसको, वो हवा है, अभी भी फोगी लगा हुआ है, हवा एनी टाइम मरते रहता है, इधर इतना ठंडा है, तो आप खुद देख सकता है हवा एनी टाइम हवा आता है। तो इस जगह में जुलाई महीना में भी इतना मतलब मौसम अच्छा रहता है, तो आप आइए वेकेशन में इधर घूमने के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है। आप देख लीजिए अभी भी फोगी लगा हुआ है, सुबह का अभी 9 बजने वाला है, आप देख लो, और नीचे में टाउन है, नीचे में बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये इतना सा टाउन है, ये पूरा घर टाउन है, इसमें टाउन है। तो जुलाई महीना में आइए इधर वेकेशन मनाने के लिए, जो बुज़ुर्ग लोग है तो एक महीना कम से कम इधर आराम से बिता सकता है, उधर का गर्मी ना खा के, और जो जवान है, यंग है, तो उन लोग भी आइए, इधर का मौसम देखिए, मौसम का फुल एंजॉय लीजिए, तो बहुत ही अच्छा मौसम है। तो दिन में एनी टाइम ऐसे ही रहता है, धूप तो आता है, फिर भी धूप आने से भी धूप का कोई ज़्यादा असर नहीं है। तो आप देख लीजिए, तो बिल्डिंग है, पहाड़ के नीचे एक झरना है, वो नदी है, नदी जा रहा है नीचे की तरफ, तो वो नदी व्यू को इतना अच्छा दिखाई देता है, तो नहीं आ रहा है। तो इसमें नदी के नीचे एक लंबा सा एक ट्रेन रेलवे ट्रैक है, जो कि कम से कम 10 किलोमीटर पहाड़ी के अंदर अंदर जा रहा है, दिन के समय का हमको खाली मैं दिन के समय का बता रहा हूँ। दिन के समय में ऐसा रहता है, फोगी है और एनी टाइम हवा है, एकदम मस्त हवा है, ठंडा हवा है। और रात के समय का बात बताऊँ तो रात के समय में मैं क्या बताऊँ, रात को मैं आपको बताऊँ, रात को एनी टाइम हवा मारता है, जो कि गर्मी जून जुलाई के मौसम में भी हम लोग इधर स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह लगा के रात को घूमना पड़ता है, जो कि इस जगह नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट में है। आप देख लीजिए पूरा पहाड़ है और बीच में पूरा पहाड़ है, बीच में ये व्यू पॉइंट है और ये नॉर्थ ईस्ट में है ये जगह। और रात के समय बताओ तो रात के समय इतना ठंडा, बहुत बढ़िया मौसम है। तो रात को मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा, तो वो वीडियो में रात को एकदम प्रॉपर रात को मैं वीडियो करके दिखाऊंगा आप लोगों को, यकीन दवा रात को बना के मैं लगभग 9-10 बजे 11-12 बजे जैसे भी हो, तो आप लोगों को मैं वीडियो बना के दिखाऊँगा। इतना बड़ा नज़ारा है, ये व्यू पॉइंट एक्चुअली ये व्यू पॉइंट से आपको पूरा पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये पहाड़ी में, पहाड़ी के नीचे ब्रिटिश ज़माने का शायद 1805 का बना हुआ है ये ट्रैक है। मैं जगह नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। अभी भी इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है उस टाइम बनाया है, तो सीमेंट जैसे कि वैसे ही है, जैसे बनाया था वैसे ही है, अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है,
जो कि आजकल का सीमेंट और ईट जैसा नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उधर से लेके ये पहाड़ी की दिशा से लेके ये पूरा पहाड़ी में दिशा हुआ, ये उधर से ऐसे निकल रहा है, तो आगे ऐसे उधर ऐसे निकल रहा है, तो आपको आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये रेलवे ट्रैक है। 1805 का ऐसा है। अभी भी फोगी हटा नहीं है जो कि 9 बजने वाला है। इसमें बहुत ये पहाड़ है, सबसे बड़ा पहाड़ ऊंचाई टिकरी यही है जो कि ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रहा है फोगी की वजह से। पूरा फोगी है, आपको फोगी है तो ये नोटिस में है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो फ्रेंड आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये जगह कहाँ है। एक्चुअली ये नोटिस में स्थित है और मैं भी नोटिस का ही हूँ, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सा जगह है नोटिस का। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बने रहे, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ज़रा ज़रा गर्मी होता है तो इसमें आइए, तो इसमें मज़ा लीजिए ठंड का। और ये शिलोंग नहीं है, सेरापुंजी नहीं है, ये लगभग गुवाहाटी से आसपास ही है। तो रेलवे ट्रैक है वो उधर, एकदम रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन में आप ला के एकदम ही इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, तो आप इधर आ सकते हैं आराम से। पूरा पहाड़ी से घिरा हुआ है, पहाड़ी से चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है, तो बीच में एक टिकरी है, यह है व्यू पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए और ऐसा अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा साहस मिले, हौसला मिले। तो तब तक ओके, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।